अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मॉम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों चाइना, का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन शेयर करूँगी। तो पूरे दिन की आपके साथ मैं इंशाल्लाह अपनी रूटीन शेयर करूँगी। तो अब मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, और खुश्क रोटी हम खाते हैं। वैसे तो मैं खाती तो नहीं थी, मगर यह है कि गला ख़राब होने के की वजह से तो कुछ दिन हो गए हैं कि मैं बस ये खुश्क रोटी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पराठे के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं था, बस मजबूरी है। तो बस अब मैं बना रही हूँ, और दो रोटियाँ वैसे मॉर्निंग में बनती हैं, और वो भी बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होती, वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हल्का सा ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही फिर ड्राई सी हो जाती है। तो मैं अंदर वाली साइड पे इसका जब पेड़ा बना रही होती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, डालडा ऑयल या जो भी आप चाहें, मैं तो वैसे यही यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैं ये रोटियाँ बना रही हूँ, और सालन जो है वो कल का ही था। ये कि मोस्टली जो है हम सालन ही यूज़ करते हैं, ऑमलेट वगैरह या एग वगैरह का यूज़ जो है बहुत कम ही है, क्योंकि उससे हमसे खाई नहीं जाती, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम है, बहुत ही कम जो हो जाए। तो अदरवाइज़ तो सालन ही जो है उसको ही ज़्यादा हम खाते हैं, क्योंकि खाने की बात नहीं होती, वो खाया नहीं जाता। एक तो सुबह ये होता है कि कुछ खाया भी नहीं जाता, और अंडा फिर अगर हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो इसलिए ये होता है कि रात को मैं फिर सालन वगैरह अगर ना मतलब ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं रात को बना के तो फिर रख लेती हूँ, ताकि फिर मेरा इजीली सुबह मॉर्निंग में भी हो जाए, और दिन में भी, फिर मैं रात को फिर अलहदा से शाम के टाइम फिर बना लेती हूँ। तो वैसे तो हम दो टाइम ही खाते हैं, तो बस नाश्ता और फिर बाद में शाम को खाना खाते हैं, तो बस दो टाइम का सालन हो जाता है। तो मेरी रोटियां बस अब तकरीबन डन ही है, तो साथ में चाय भी बना ली थी और बन रही है। और मॉर्निंग में ये है कि कुछ खाया भी नहीं जाता, और हम जो है थोड़े देसी नाश्ता करने के ही आदी हैं, तो कभी कभी मूड हो तो फिर हम इंग्लिश नाश्ता भी कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत इंग्लिश नाश्ता करती हूँ, ब्रेड टोस्ट वगैरह, मैं देसी टाइप की हूँ, और देसी नाश्ता हम यूज़ करते हैं। तो बस अब ये रोटियाँ जो हैं वो मैं सेक रही हूँ, क्योंकि अच्छे से वो मैं ना सेक लेती हूँ, क्योंकि समटाइम थोड़ी सी ये कि साइड्स उसके कॉर्नर्स जो हैं कच्चे रह जाते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड फिर बोलते हैं। तो फिर मैं इसको अच्छे से कपड़े से दबा के प्रेस कर करके ना पका लेती हूँ। तो बस अब ये बन गई हैं, और अब सालन गरम करूंगी, चाय भी बस हो गई है, तो सालन मैंने रख दिया है। और यह कि चाय का यूज़ जो है मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और मैं बिल्कुल उनके यूँ समझे कि ओपोजिट हूँ, और मैं एक टाइम भी मुश्किल से चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं जो है चाय की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, और हमारे घर में भी ऐसा ही है। तो मेरे अम्मी अबू वगैरह भी चाय का कम ही यूज़ करते हैं, वो भी बस एक मॉर्निंग का ही ब्रेकफास्ट में बस एक दफ़ा ले लेते हैं, बाद में फिर नहीं यूज़ करते, तो फिर मुझे भी वही आदत है। तो अब ये चाय भी ले रेडी है, और सालन बस मैं गरम कर रही हूँ, तो बस अब वो ले लूँगी, और बस फिर हम नाश्ता इंजॉय करेंगे। और ये आलू पालक का सालन था, कल बनाया हुआ था, तो बस अब मैं ये खाऊंगी, और आ जाए आप भी नाश्ता मिलके एंजॉय करते हैं। तो ये देखें, ये बस अब हमारा नाश्ता रेडी है, तो हम एंजॉय करेंगे नाश्ता। तो इसके बाद जो है वो कपड़े वगैरह वॉश किए थे मैंने, और फिर मैंने ये कि धूप वगैरह को काफ़ी प्रॉब्लम है घर में, तो सच कोई वो सुखाने की कोई जगह नहीं है, बस वो स्पिन वगैरह हो करके तो बस घर में ही डालें। तो मुझे पहले नहीं था आइडिया, तो अब मेरे हबी ने मुझे बताया कि ये छत पे भी डाल सकते हैं, तो बस फिर मैं छत पे डाल लेती हूँ, या कि 2 घंटे के बाद मैं जाके ले आती हूँ, और अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है
घर में ही अंदर ही वो सम टाइम ये है कि बारिश वगैरह हो या कुछ हो तो वो ना स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है, सही से ड्राई नहीं होते तो वो अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है कपड़ों से, तो मैं ऊपर ही डाल लेती हूँ। अब जब से मुझे पता चले तो अभी मैंने बस कपड़े डाल दिए अपने सारे, इब्राहिम के थे और कुछ अपने थे थोड़े से, तो कुछ मैंने इधर डाल दिए, कुछ मैंने थोड़ी दूसरी साइड पर डाले थे, तो बस अब मैं डाल दिए हैं। और देखें कितनी अच्छी से अब ये हवा भी चल रही है और ये सूख जाएंगे थोड़ी देर में ही, तो मैं थोड़ी देर बाद आके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैं ले जाती हूँ आके, और इब्राहिम जो है वो भी मेरे साथ आया था, तो बस वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है सीढ़ियाँ उतरते हुए, तो हाथ पकड़ पकड़ के वो चलता है, तो अब हम घर जा रहे हैं। इसके बाद ये शाम का टाइम है, 3-4 बजे का होगा या इससे ज़्यादा का होगा, 4 से 5 के दरमियान का होगा शायद। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर सब्ज़ी लेने के लिए, तो ये बाहर नीचे ही मैंने आपको बताया था, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, चेंज हो गया, काफ़ी मौसम चेंज हो गया है और इतना अच्छा मौसम है, और ये तो मैं कहती बेस्ट मौसम है, तो ना गर्मी ना ज़्यादा ठंड और मज़े का मौसम है वैसे, तो एंजॉय भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है। और तो अब जो है ये बस मैं ये साथ ही है बिल्कुल हमारे घर से तकरीबन 2 मिनट, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अपनी मर्ज़ी से जो लेके आना है वो ले आओ, तो मैं बस अब वहाँ जाती हूँ और आराम से लेके आ जाती हूँ, तो मुझे ये सहूलत है नीचे ही है बिल्कुल, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने की जो है स्नैक्स वगैरह का भी अगर कहूँ तो, वेजिटेबल्स वगैरह सब चीज़ें, तो चलें आ जाएं आप भी, आपको मैं इंजॉय करवाती हूँ और आपको भी विज़िट करवाती हूँ। तो अब मैं ये ट्रॉली ले लेती हूँ और मैंने यहाँ से कार्ड बनवाया वह, तो मैं बस कार्ड में वो थोड़ा सा उसको रिचार्ज करवाऊँगी और बाद में फिर मैं जो मुझे चाहिए वेजिटेबल्स वगैरह वो मैं ले लूँगी। और ये इन्होंने बॉल्स ये बाउल वगैरह में ना फ्रूट की कटिंग करके रखे हुए हैं, तो ये भी बड़े अच्छे हैं, और ये चेरी टोमेटोज़ हैं, ये देखो पीच पीच कितने ज़बरदस्त आए हुए हैं फ्रेश और इतने प्यारे खूबसूरत, अभी तो स्टार्ट है, और ये लुकाट, ये देखिए ये लुकाट है, इतनी बड़ी बड़ी हैं ज़बरदस्त, खाई थी मैंने काफ़ी खट्टी थोड़ी सी ना टूश है इसमें काफ़ी, और ये मैंगोज एप्पल्स हैं और ये ग्रेप्स, और ये पता नहीं इसका तो मुझे खुद आइडिया नहीं है, और काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे ऑरेंज वगैरह, और ये कुछ पता नहीं इसका भी मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैं तो डिफरेंट डिफरेंट ना फ्रूट्स वगैरह देखती रहती हूँ, कभी ट्राई नहीं मैंने किए, मैं वैसे आपको कहूँ ¡Gracias!
थी, तो अब मैं ये बना रही हूँ करेले और आलू, क्योंकि करेले जो है कड़वे कड़वे लगते हैं, तो बस फिर वो इब्राहिम जो है वो उसको मैं फिर आलू जो है आलू आलू देती हूँ वो, मैं इसको पहले करेले और आलूओं को मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं डाल देती हूँ, और वो इतने मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला जैसे प्याज वगैरह को अच्छे से, और इसको ब्राउन तो नहीं करना, हल्का हल्का सा इसको करना है सौते, और फिर टमाटर डाल दें, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दें, और बाद में करेले और आलू डाल के अच्छे से मिक्स करें और दम पे दे के, और हरी मिर्चें वगैरह भी डाल दें, तो इतने मज़ेदार ये बनते हैं, और करेले भी का टेस्ट भी आ जाता है, और वो आलू जो है क्या कहते हैं उसमें दोनों हो जाते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, और फिर काफ़ी अच्छा टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है, और यूँ समझें कि जैसे वो भुजिया नहीं होती आलू की और करेले की, तो वो बड़ा अच्छा ये सालन बनता है। तो बस ये अब रेडी हो गया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।